सीधी कर यहाँ थोड़ा छाऊ है यार, यहाँ अच्छा आता है। अभी उसको अलग प्रोसेस में था, वो आउटसोर्सिंग या इसका वो इशू चल रहा था, तो वो सारे स्टाफ सेंक्शन है, लेना लेकिन अभी इशू शायद मैं पता करूँगा क्या हुआ उसका, अभी मैं चेक करूँगा उसका, ठीक है ना। स्टाफ आएगा आपको रहेगा।
जी सर साहब, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख मिस्टर जस्टिस ताशीर अवस्थन साहब ने आज हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स का विज़िट किया, तो वहाँ पे उनको रिसीव किया ऑनरेबल पीडीजे ने। अच्छा जी, हमारे एडिशनल डी सी जज साहब भी थे, तो सारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी वहाँ पर थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, सारा उन्होंने रिसीव किया। तो जज साहब ने सबसे पहले तो प्लांटेशन ड्राइव किया हमारे वहाँ पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। प्लांटेशन ड्राइव के बाद फिर यस वो चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई जो विक्टिम्स ऑफ मैक्ट हैं उनके दौरान। अच्छा जी, फिर इसके बाद उन्होंने कोर्ट का इंस्पेक्शन किया, वहाँ पर डायरेक्शंस पास की कि जल्दी जल्दी केस ख़त्म करें, जल्दी करें। अच्छा जी, फिर इसके बाद नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जैसे आपने विज़िट किया और वहाँ देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद डालसा का जो हमारा ये है, डालसा का जो ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, वहाँ पे पीएलवी से लीगल एड डिफेंस काउंसिल से उन्होंने बात की, इंट्रैक्शन की, और उसके बाद लॉयर्स से भी और जितने सारे लोग थे उनसे इंट्रैक्शन काफ़ी की, काफ़ी अच्छे से इंट्रैक्शन की और डायरेक्शन भी पास की। और साथ में कहा कि जो बैंक ब्रांच भी एक अगर इंश्योर करेंगे कि वो यहाँ पर हो कोबारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, साथ में डिस्पेंसरी भी हो, अच्छा जी आपका जो पोस्ट ऑफिस एक भी हो, ताकि जनता को जो है आसानी हो। साथ में कहा कि जो स्पीडी केस हैं, केस खास लॉशिप पर जो था कि जस्टिस जो है स्पीडी हो जाए, इंसाफ का काम जल्द से जल्द हो, लोगों को लीगल एड पहुंचे। तो बाकी उन्होंने कोर्ट की वर्किंग भी देख ली, कैसे हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट वगैरह सारे दे दिए। तो यही है उनका।